नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद अमीन। आप देख रहे हैं जिले का सबसे लोकप्रिय चैनल डीटी न्यूज। आइए देखते हैं इस वक्त की खास खबर। ग्राम सगनिया में सोच के लिए गए 50 वर्षीय व्रत की नाले में भरे पानी में डूबने से हो गई मौत। जुन्नारदेव अनुविभाग अंतर्गत डुमरिया पुलिस चौकी के ग्राम सगनिया में 50 वर्षीय व्रत अपने घर के समीप नाले में शौच हेतु गया था, किंतु पैर फिसलने के कारण उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर जुन्नारदेव थाना एसआई एकता सोनी व चौकी प्रभारी रमेश दुबे पुलिस टीम सहित घटना स्थल पहुंचे एवं शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम पश्चात परिजनों को सौंपा। उपरोक्त मामले में पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। जुन्नारदेव पुलिस ने बिना मास्क व हेलमेट पाए गए 11 वाहन चालकों पर 2750 रुपए का काटा चला। जारी लॉकडाउन में पुलिस द्वारा स्थानीय अम्बेडकर चौक टैक्सी स्टैंड पर बिना मास्क पहने हेलमेट का उपयोग नहीं करने एवं 3 सीट बैठे 2-व्हीलर पर चालानी कार्रवाई की गई। देर शाम हुई कार्रवाई में पुलिस द्वारा 11 वाहनों से 2750 रुपए का राजस्व वसूला। उपरोक्त कार्रवाई में एएसआई कोसले, प्रधान आरक्षक रामविलास तिवारी, आरक्षक नितेश सागर राहुल उपस्थित रहे। दमोह के भाजपा कार्यकर्ता ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर मोदी सरकार 2 की उपलब्धियां बताई। केंद्र में स्थापित भाजपा नीति मोदी सरकार 2 के सफलतम एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नगर मंडल की टीम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र बाथरी, पिंडरई, गोपतराई में जाकर किसानों को सरकार की जनहितैषी उपलब्धियां बताई। साथ ही बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर भाजपा की सदस्यता बढ़ाने की बात कही गई। इस दौरान मंडल अध्यक्ष मोनू साहू, मुन्नालाल गौतम, शरद श्रीवास्तव, बिट्टी चौकीकर सहित भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जुन्नारदेव नापा अध्यक्ष द्वारा 2 हितग्राही के परिजनों को अंत्येष्टि राशि सौंपी गई। मध्य प्रदेश शासन की जन कल्याणकारी संबल योजना के तहत पंजीकृत किसानों व उसके परिजन में किसी की मृत्यु पश्चात उसके परिजनों को सहायता राशि दी जानी है। आज नापा अध्यक्ष द्वारा नगरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 8 हेमिदा बी एवं वार्ड क्रमांक 5 रमेश पिता लीलाधर के निधन पश्चात उनके परिजनों को 5,000 रुपए की सहायता राशि दी गई। इस दौरान नापा अध्यक्ष पुष्पा साहू, पार्षद शरद कुरुलिया, शिवराम चोरे, महिला पार्षद बरकर अली लदरे, लता भमोर सहित कांग्रेसी नेता रमेश साहू, सुधीर लदरे, प्रेमसा बलावी व योजना प्रभारी दामोदर सोनी उपस्थित रहे। अपने जिले की सटीक व निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं घंटी दबाना न भूलें।